हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्पाई नेहा गुप्ता। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी सीटेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्या है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो सीटेट है वो आपका कब हेल्ड होगा। तो ये जो एग्जाम है ये होगा 21 जनवरी 2024। ठीक है, एप्लीकेशन का जो मोड है वो ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो जो एप्लीकेशन जो फिल होंगी वो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से फिल हो जाएंगी, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और जो एप्लीकेशन है वो आप 3 नवंबर से फिल कर सकते हो, 23 नवंबर तक। ओके, तो वह एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है फिल करने के लिए, आप 23 तक आपके पास टाइम है, आप इसको फिल कर लेना। और जो करेक्शन विंडो है आपकी, तो ध्यान रखना आपको फर्स्ट टाइम में ही फॉर्म को अच्छे से फिल करना है, क्योंकि करेक्शन विंडो में भी आपको जो टाइम मिलेगा उसमें आपको सब कुछ आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्पेशली जो सिटी है जहां एग्जाम आपका होना है, अगर आपने जो फिल किया है, मान लीजिए आपने दिल्ली फिल किया है, तो आप अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने दिल्ली फिल कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप सिटी को या जो सेंटर है आपका आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, तो आपको ध्यान से इसको फिल करना है। और जो करेक्शन डेट है वो है आपकी 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप सिटी चेंज नहीं कर पाओगे, तो आप कोशिश करना कि फर्स्ट टाइम में आप उसको अच्छे से फिल कर दीजिए फॉर्म को, ताकि आपको करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड क्या है इस बार, ऑफलाइन मोड है। ठीक है, ऑफलाइन मोड एग्जाम है, तो आपको OMR शीट मिलेगी, आपको उसको फिलअप करना है। देखिए, जो एलिजिबिलिटी है वो सीटेट ने डायरेक्ट कर दिया एनसीटी को, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो, देखिए सीटेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपने टीटी के अंदर एनरोल कर रखा है और आपको अगर एक ही दिन ही हुआ है तब भी आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो, आप उसको दे सकते हो एग्जाम को। और टीटी क्या है, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, तो कोई भी, जैसे भी आप, अगर आपने एनरोल कर रखा है और आपको अगर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तब भी, अगर आपका फर्स्ट डे भी है तब भी आप उस सीटेट को में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वैलिडिटी क्या है इसकी, लाइफ टाइम है, जैसे पहले 7 ईयर्स होता था, बट अब क्या है, लाइफ टाइम है। और सेंटर की आपको 4 चॉइसेस मिलती हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा। मोस्टली क्या होता है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है आपकी वही आपको मिल जाता है, तो आपके आसपास के स्कूल्स में एग्जाम होता है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मोस्टली मिल जाती है। और बाइलिंगुअल हुआ एग्जाम है, जो लेवल 1 होता है, फर्स्ट लेवल का एग्जाम होता है वो 1st to 5th क्लास तक का होता है। ठीक है, और लेवल 2 जो होता है वो होता है 6 to 8। तो इनके लिए भी आप, अगर आपको दोनों के लिए फिल करना है तो भी आप एक फॉर्म ही फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको पता है कि इसके लिए लेवल 1 के लिए अब जो बीएड है उसको एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है। ठीक है, तो बीएड कैंडिडेट्स के लिए, बीएड कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है। आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आपको एक कन्फर्मेशन पेज मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना है। और रही बात एज की, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी एज का बंदा इसको अप्लाई कर सकता है सीटेट के एग्जाम को। ठीक है, तो एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सिलेबस होगा वो कैसे होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है एग्जाम का, इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। ठीक है, और 150 मिनट्स होते हैं हमारे पास विद नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ये 5 सेक्शंस हैं, ईच सेक्शन विल कंटेन 30 MCQs। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन में आपका CDP है, सेकंड इज लैंग्वेज एंड थर्ड इज लैंग्वेज सेकंड, फोर्थ इज मैथ्स एंड फिफ्थ इज एनवायरमेंटल साइंस। अब ये है लेवल 1 के लिए। अगर लेवल 2 की अगर आप बात करो तो मैथ्स और EVS में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स और साथ में साइंस आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप सोशल स्टडीज के स्टूडेंट हो तो सोशल स्टडीज आ जाएगा 60 मार्क्स का। ठीक है, तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इसके लिए वो आपके जनरल के लिए 90 हैं, 90 मार्क्स आपको चाहिए जनरल के लिए, और 82 मार्क्स आपको चाहिए अगर जो भी कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का बच्चा है तो उसको 82 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो आप टारगेट ये मत बनाइए कि 90 मार्क्स चाहिए 82 चाहिए, आपको टारगेट 100 अबव बनाना है। आजकल तो काफी ज्यादा मार्क्स भी आते हैं और पेपर भी पहले से काफी टफ आता है। ठीक है, सिलेबस वही है बट पेपर जो है वो टफ आने लगा है पहले से। वैसे इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि आप NCERT को ही प्रेफरेंस दीजिए लेवल 1 और 2 के लिए, NCERT कीजिए, और साथ में आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सोल्व कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से पेपर आता है और आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी, वो इनफ है करने के लिए। और
जो लैंग्वेज वन और टू का सिलेक्शन है, आप फॉर्म फिल करते वक्त इसके ऊपर ध्यान देना कि लैंग्वेज जो वन है वो आप हिंदी चूज करना, ठीक है, और लैंग्वेज टू इंग्लिश या जो भी आपको फर्दर लैंग्वेज लेनी है, क्योंकि जो हमारी बेसिक लैंग्वेज है वो हिंदी ही है, तो जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो कंपैरेटिवली सेकंड थोड़ी टफ आती है, तो हिंदी के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इंस्टेड ऑफ इंग्लिश के, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में हमारे पास जो पोइट्री जो पार्ट आएगा वो काफी टफ आता है, और आप उसको जरूरी नहीं है कि आप उसके क्वेश्चन सोल्व कर पाओ जो पैसेज आएगा, और इसकी पेडागोजी भी थोड़ी सी टफ आती है। मेरे अकॉर्डिंग है कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपको लैंग्वेज वन में हिंदी लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, बाकी आपकी चॉइस है, जैसे आपको ठीक लगे आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, बट अगर आपको डाउट भी है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके देख लेना, लैंग्वेज वन जिसमें हिंदी दे रखा हो और लैंग्वेज वन जिसमें इंग्लिश दे रखा हो, ठीक है, आप इजीली देख पाओगे कि आप किसमें ज्यादा स्कोर कर पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग भी आप फिल कर सकते हो। आई रिपीट, करेक्शन के भरोसे ना रहना, आपको फर्स्ट टाइम में इसको अच्छे से फिल करना है ताकि आपको करेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि करेक्शन करते वक्त उन्होंने बोला है कि वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर आप करेक्ट नहीं कर पाते हो गिवन विंडो के अंदर, और सिटी को भी आप चेंज नहीं कर सकते जो आपका सेंटर है एग्जाम का, तो मेक श्योर कि आप फर्स्ट टाइम में उसको अच्छे से फिलअप कर दीजिए ताकि आपको दोबारा दिक्कत ना आए। अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ऑल्सो कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।